हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप है शुक्रवार की शाम की। हमने बर्तन तो धुल लिया था और गैस साफ़ कर ली थी, तो हमने सोचा लाओ कल से नवरात्रि व्रत शुरू हो जाएगा मेरा। मैं 9 दिन का व्रत रहती हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा लाओ मूँगफली तल के रख लेते हैं, नहीं तो सुबह इतना सारा काम हो जाता है कि फिर टाइम नहीं मिलेगा मूँगफली तलने का, क्योंकि उनको ऑफिस जाना भी होता है, बच्चों को भी संभालना, पूजा पाठ सब करना, तो फिर टाइम तो जानते हैं सुबह कितना जल्दीबाजी रहती है। तो वही मैं मूँगफली भून रही थी। तो फ्रेंड्स, ये सुबह हो गई है, आज है दिन शनिवार। अब आज से है नवरात्रि का व्रत। तो मैं अपना कलश बना रही थी, से मेरे यहाँ कलश गोठना भी कहते हैं। तो हमने इसमें गाय के गोबर से इसको लगा दिया था और इसमें अब मैं जौ लगा रही हूँ। तो हर साल हम इसी तांबे के लोटे में ही अपना कलश बनाते हैं। और ये देखिए मेरा कलश गुठ गया है। अभी इसको हमें थोड़ा और सजाना है। तो ये देखिए मेरा सज गया है, जो मुझसे बना उल्टा सीधा जो मैंने कर पाई मैंने कर दिया। थोड़े बहुत मैंने चावल रंगीन करके इसमें डाल दिए हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मेरी पूजा की तैयारी हो गई है और मैंने सारी सामग्री भी यहाँ रख ली है। चावल है, सुपारी है, दूब है और गौर गणेश मैंने रख लिया है, आम का पल्लव है, फल फूल मिष्ठान और ये दीपक भी मैंने बना के रख लिया है। कलश में पहले हम एक सुपारी, चावल, हल्दी, थोड़ा सा दूध और एक सिक्का, इतना मैं जो जल डालते हैं कलश में उसमें डालूंगी। उसके बाद ही उसके ऊपर मैं चावल की कटोरी और आम का पल्लव डाल के चावल की कटोरी रखूंगी। और ये मैं चंदन मंगाई थी, ये लिक्विड वाला चंदन है, गीला रहता है इसमें। ये मेरे गणेश जी हैं, गौर और गणेश, और लोटिया है मेरी जल चढ़ाने वाली। तो चलिए अब हम कर लेते हैं पूजा। और ये इधर मेरी मंदिर है, पहले मंदिर मेरा नीचे था, मेज पे रखे थे इसको, लेकिन बाद में मेरा भैया बड़ा परेशान करता था, भगवान को इधर उधर कर देता था, तो अब मैंने मंदिर को दीवार में लगवा दिया है। और ये देखिए मैंने स्थापित कर दिया है कलश को और पूजा कर ली है माता जी की। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरी माता रानी का दरबार। आप भी सब मेरे साथ बोलिए जय माता दी। ये 9 बजे का मुहूर्त था, 1, 9, 1, 11 और 1, 12 बजे का। तो उसी समय हमें कलश स्थापित करना था और इधर हम पाठ कर रहे थे देवी जी का। 9 दिन का व्रत रहता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन उसके पहले ये हम नवरात्रि व्रत एक कथा होती है उसको पढ़ रहे थे। और इधर मेरी आरती भी हो गई थी, मेरी पूजा हो गई थी और मैंने आरती कर लिया था सुबह सुबह। तो आप सब जानते हैं कि अगर कोई ऑफिस जाने वाला हो तो घर में तो कितने सारे काम रहते हैं। और ये देखिए मेरा मंदिर सच के तैयार हो गया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज से हो रही है नवरात्रि शुरू और हमने अभी ही पूजा कर लिया है। तो अब हम आ गए हैं अपने किचन में पूजा करके। और ये देखिए मेरा चाय बन रहा है, चाय मेरा बन रहा है। और इधर मैंने तैयारी कर ली है
व्रत की। ये मैंने साबूदाने भी बोए थे, ये टमाटर कट करके रखे हैं, ये हरी मिर्च और ये आलू उबाल के कट करके रख लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी बनाने, और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा, देखिएगा आज मैंने पूजा कैसे की है, तो आप लोगों को दिखेगा मेरा मंदिर मैंने कैसे सजाया है और मैंने अपनी माता रानी को कैसे स्थापित किया है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा। थैंक यू, जय माता दी आप सबको।